सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 में सभी दर्शकों को उम्मीद थी कि आज पूरे 10 महीने का इंतजार खत्म हो जाएगा, जब शो में होगा तो 5 फाइनलिस्ट का खुलासा। यानी कि दोस्तों कोई एक कंटेस्टेंट हो जाएगा शो से एलिमिनेट। लेकिन दोस्तों सेमीफाइनल एपिसोड के आखिर में मेकर्स ने सभी को चौंका दिया। और दोस्तों आपको बता दें कि आइडल के इतिहास में पहली बार 5 नहीं बल्कि 6 कंटेस्टेंट्स फाइनल राउंड में जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, वहीं इस फैसले की वजह से एलिमिनेशन को लेकर परेशान कंटेस्टेंट ने राहत की सांस ली। दोस्तों शो के इस खास वीकेंड में करण जौहर की मौजूदगी में संपन्न हुए इस एपिसोड में सभी कंटेस्टेंट को यह गुड न्यूज दी गई कि आज उनमें से कोई भी सिंगर नहीं हो रहा है शो से बाहर। ऐसे में दोस्तों इंडियन आइडल के सभी टॉप 6 कंटेस्टेंट्स को फिनाले में अपना जलवा दिखाने का मौका मिल गया है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि दोस्तों मेकर्स के इस फैसले से उन दर्शकों की उम्मीदों को झटका जरूर लगा होगा जो पिछले 4 हफ्तों से शो में एलिमिनेशन का इंतजार कर रहे थे। कंटेस्टेंट आशीष कुलकर्णी आखिरी बार शो से एलिमिनेट किए गए थे और इसके बाद इस हफ्ते होना था शो में एक और शॉकिंग इविक्शन। लेकिन दोस्तों इस बार भी मेकर्स ने अपना प्लान बदलते हुए टॉप 5 की बजाय टॉप 6 को फिनाले का टिकट दे दिया और शो में जो नहीं सोचा वो हो गया। हर किसी ने इस बार एलिमिनेशन की उम्मीद की थी। वैसे दोस्तों फिनाले के दिन किस कंटेस्टेंट के हाथ में आप इंडियन आइडल सीजन 12 की चमचमाती ट्रॉफी देखना चाहते हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके बताएं जरूर।